ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपके एक परसेंटाइल से, ठीक है, अगर आपके एक परसेंटाइल से 30 परसेंटाइल तक है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज आपको UGSC में चॉइस फिलिंग में फिल करना है और कौन सा ब्रांच मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल है तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा बिहार इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉलेजेस के बारे में। तो टोटल बिहार में 38 कॉलेजेस है, ठीक है, जिसमें से टॉप 10 कॉलेजेस का कटअप बहुत हाई जाता है, ठीक है। नॉर्मल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ बांका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, यहाँ पे सिविल का कटअप बहुत हाई जाता है, कंप्यूटर साइंस का कटअप बहुत हाई जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE और मैकेनिकल, ये 3 ब्रांच आपको बांका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का कटअप कम जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम जाता है ये 3 ब्रांच का, ठीक है। 3 ब्रांच का मैं बात कर रहा हूँ, आप 3 ब्रांच का ही याद रखिएगा, ठीक है। और जमुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ब्रांच का जो है कटअप कम जाता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप जाता है कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल तक है तो आप जमुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुंगेर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, ठीक है, ये भी कॉलेज है जहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांचेस अलॉट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल अलॉट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का कटअप हाई जाता है, सिविल इंजीनियरिंग का कटअप हाई जाता है। अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये कॉलेजेस में आपको 1 से 30 परसेंटाइल तक अगर आपके परसेंटाइल हैं JEE मेंस में तो आप ट्राई करना, आपको 100% इलेक्ट्रिकल या ECE मिल जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको 3 ब्रांच आराम से मिल जाएंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ECE, ठीक है। ये 3 ब्रांच आपको मिल जाएंगे अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल तक है। तब कितने परसेंटाइल तक होना चाहिए, अगर आपके JEE में 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको जरूर यहाँ पे ये कॉलेज ब्रांचेस मिल जाएंगे, ठीक है। सिवान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पर भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांच आपको मिल जाएंगे और कंप्यूटर साइंस और सिविल का कटअप थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि ये सब ब्रांचेस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो न्यू कॉलेजेस में भी इनका कटअप हाई जाता है। जहानाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिकल मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा और इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको 3 ब्रांच मिल जाएगा, ईजिली आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल है तब। अरवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, ये 2 ब्रांच मिल जाएंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आपको अरवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, तो आप ये 2 ब्रांचेस ट्राई कर सकते हो अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल तक है तब, ठीक है। बक्सर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ECE, ये 3 ब्रांच आपको इजीली अलॉट हो जाएगा अगर आपके परसेंटाइल 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तब, ठीक है, 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तब। गर्ल्स का कटअप इससे भी कम जाता है तो उनको और ईजिली मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भोजपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कौन कौन सा ब्रांच मिलेगा अगर आपके 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है, तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ECE मिल जाएगा, ये 3 ब्रांच आपको आपको भोजपुर में मिल जाएगा अगर आपके रैंक 1 से 30 परसेंटाइल के बीच में है तब। लखीसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा अगर आपके परसेंटाइल 1 से 30 के बीच में है तब, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, आपको मिल जाएगा अगर आपके 30 परसेंटाइल से ऊपर हैं तब, 30 परसेंटाइल से अगर JEE मेंस में है ऊपर है तो आप ये कॉलेज ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर आपके 30 परसेंटाइल से नीचे हैं, ठीक है, 30 परसेंटाइल से नीचे है तो आपको कौन सा कॉलेज लेना है। 30 परसेंटाइल से जिन बच्चों का नीचे है उनको ये सब ब्रांचेस मिल सकता है और ये सब कॉलेजेस मिल सकता है, लेकिन मे बी, ठीक है, आप जो भी मैंने जो भी कॉलेजेस का नाम बताया, जैसे अरवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आपके 30 परसेंटाइल है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और सिविल भी ट्राई कर सकते हो, मे भी चांस है मिल जाए, क्योंकि कटअप कम जाएगा तो मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए डिटेल वीडियो, जिन बच्चों का कम परसेंटाइल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत बच्चे देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।